दोस्तों वैसे तो दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं होता, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इन रहस्यमय चीजों पर विश्वास रहता है। ऐसा माना जाता है कि इनका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं कुछ वस्तुओं पर भी होता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शापित वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। चेयर ऑफ डेथ। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में स्थित यह शापित कुर्सी थॉमस बसबी नामक एक खूनी व्यक्ति की है। साल 1702 में अपने ससुर डैनियल की हत्या के जुर्म में थॉमस को मृत्युदंड दिया गया था। बसबी ने अपने ससुर का गला घोटकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गया था। मरने से पहले बसबी की आखिरी इच्छा के बारे में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जो भी उसकी कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अब तक करीब 63 लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने की वजह से हो चुकी है। इस कुर्सी को त्रिशक म्यूजियम नामक एक म्यूजियम में ऊपर की ओर रखा गया है ताकि कोई भी इस पर गलती से न बैठ जाए। इस कुर्सी का रहस्य आज भी कायम है। एनाबेल डॉल। सबसे पहले यह गुड़िया जोनी ग्रुएल नामक व्यक्ति को उसके घर के पीछे मिली थी। जोनी ग्रुएल की बेटी मार्सेला इस गुड़िया से खेला करती थी। मार्सेला की मौत 13 साल की उम्र में हो गई, जिसका कारण संक्रमित टीके को बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद यह गुड़िया जिस रहस्य में ढंग से मिली थी उसी तरह से गायब भी हो गई थी। काफी खोजने के बाद यह गुड़िया एक एंटिक शॉप में पाई गई थी। साल 1970 में डोना नामक एक नर्सिंग स्टूडेंट को यह गुड़िया उसकी माँ ने गिफ्ट की। डोना ने इस गुड़िया में कुछ अजीब सी हरकतें महसूस की। उसने देखा कि जब वो गुड़िया को किसी जगह छोड़कर जाती तो वापस आने पर वो गुड़िया उसी जगह न होकर किसी और ही जगह पर मिलती थी। यह एक शापित गुड़िया थी जिसके अंदर कथित तौर पर एनाबेल नाम की एक लड़की की आत्मा का वास था, जिसे फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। आत्माओं को लेकर पीड़ित लोगों की मदद करने वाले एंड एड लोरेन द्वारा बनाए गए म्यूजियम में इस गुड़िया को आज भी कांच के बक्से में बंद करके कड़ी निगरानी में रखा गया है। क्राइंग बॉय पेंटिंग। योनवी ब्रोगलिन द्वारा साल 1950 में बनाई गई इस शापित पेंटिंग को जिस किसी ने भी अपने घर में लाया उसका या तो घर जल जाता था या फिर कहीं और आग लग जाती थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आग लगे उस घर में सब कुछ जलकर राख हो जाता था, मगर इस तस्वीर को कुछ भी नहीं होता था, जिसे देखकर स्वाभाविक तौर पर लोग हैरान रह जाते थे। 5 सितंबर 1985 में द सन नामक ब्रिटिश अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फायर फाइटर ने इस बात का खुलासा किया कि वह जिस भी घर आग बुझाने के लिए जाता है वहाँ ये पेंटिंग मौजूद रहती है। इन हादसों के चलते लोगों ने इस तरह की पेंटिंग रखना बंद कर दिया, जिसके बाद हादसों में काफ़ी कमी आई थी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर व्यक्त कीजिएगा। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, प्लीज उसे दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।